कोरोना की दूसरी लहर में हर रोज़ कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। दिन भर में कई ऐसे वीडियोस और फोटोज़ दिख जाते हैं जिन्हें देखकर हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जिन्हें देखकर आशा की एक नई किरण महसूस होती है। ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर बहुत वायरल हुआ है। इसमें कोरोना से जूझ रही 30 साल की एक लड़की इमरजेंसी वार्ड में बेड पर शाहरुख खान की एक फिल्म के गाने पर झूमती हुई नजर आती है। डॉक्टर मोनिका लांगे के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद से लाखों लोग इसे देख चुके हैं, लेकिन 13 मई को यह लड़की जिंदगी की लड़ाई हार गई। डॉक्टर मोनिका लांगे ने बताया कि उस लड़की में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वार्ड में भर्ती होने के बाद उसने पूछा कि क्या वह अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ म्यूजिक सुन सकती है। डॉक्टर ने शाहरुख खान और आलिया भट्ट की 2016 में आई फिल्म डियर जिंदगी से लव यू जिंदगी गाना चला दिया। इस पर वो लड़की झूमने लगी। डॉक्टर मोनिका के वीडियो शेयर करने के बाद यह तेजी से वायरल हुआ। लाखों लोगों ने इसे देखा और लोगों ने सिर्फ इस लड़की के हौसले की तारीफ ही नहीं की बल्कि जल्दी ठीक होने की दुआएं भी दीं। इतने इलाज और जिंदा दिली के बावजूद लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मोनिका ने भी एक ट्वीट में मेडिकल अपडेट देते हुए कहा कि उसे इलाज से फ़ायदा मिल रहा है, 2-3 दिन में इमरजेंसी से डिस्चार्ज कर देंगे। 13 मई को डॉक्टर मोनिका ने इस हिम्मती लड़की के बारे में दुख भरा ट्वीट किया। असल में लड़की ने कोरोना से जूझते हुए दम तोड़ दिया। डॉक्टर मोनिका ने लिखा, मैं बहुत दुखी हूँ, हमने बहादुर आत्मा को खो दिया। कृपया उस परिवार और बच्चे के लिए दुआ करिए जिसने इतना बड़ा सदमा पहुँचा है। तो दोस्तों, आप लोगों से भी बस इतना कहना है कि इस दुख की घड़ी में और इस कोरोना महामारी के बीच अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पॉजिटिविटी बनाए रखिए।